एडमिशन पार्टनर में अगर ऐसे एडजस्टमेंट आया कि कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो थ्रू विच अकाउंट लोन अकाउंट, तो आपको क्या करना है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में जो क्वेश्चन में नया पार्टनर का रेशियो दिया, जैसे इस समय 1/3 उसके लिए कितना कैपिटल लेके आया, 1 लाख, उसको बेस दे दे 1/3 का 1 लाख, तो बचा कितना 2/3 कैसे है 3 - 1 = 2, तो एक चॉकलेट 1 लाख का है, तो 2 चॉकलेट कितने का हो गया 2 लाख का। ये 2 लाख आप ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांटोगे, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है, उनका रेशियो क्या 3/1, तो 2 लाख को आप अगर बांटोगे 3/4 ये रेशियो करके, तो 1,50,000 और 50,000 है। तो ऐसा एडजस्टमेंट है, तो आपको कंपल्सरी वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में जो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये कंपल्सरी ये वर्किंग नोट से आएगा, बराबर, कंपल्सरी। अब डिफरेंस क्या बोला है, लोन अकाउंट, तो सी तो टैली हो जाएगा, ए और बी, समझो ए में क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में, ए के डेबिट में क्या आएगा टू लोन अकाउंट, बी वाले में डेबिट ज्यादा है तो कहां पर आ जाएगा क्रेडिट में बाय लोन अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर आया, इधर इधर लोन आया तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी में लोन आएगा ए लोन, इधर आया तो बी लोन बैलेंस शीट में असेट में आएगा। ये गलती मत करना, अगर दोनों इधर आया तो दोनों लोन लाइबिलिटी, इधर दोनों आया तो दोनों लोन असेट, ये गलती मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।